देखिए नहीं नहीं हाँ कुछ लोग ये बोल रहे थे नदीम भाई डर गए, तो क्या नदीम भाई डर गए आप? सोम अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौन सिर्फ अल्लाह से डरती मेरे भाई, तो इतने दिन से आपने मुंह तो हम बता रहे हैं ना बॉस, जबरदस्ती का तू चालू गाड़ी में चढ़ रहा है यार बेफालतू का। तुम्हारे भगवान को नहीं मानता, बुत परस्तों को नहीं मानता, वो मारता है, वो इनको मारेगा, और जिस दिन वो अपनी हुकूमत में आएगा तो सबसे पहले जो बुत परस है उनके ऊपर अटैक करेगा। ऐ अल्लाह, मस्जिद अक्षा के लिए तू फरिश्ते नाजिल कर, जैसे कि तूने अबाबील को नाजिल किया था। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जैसा कि इन दिनों फलस्तीन और इसराइल की जो जंग चल रही है उसी को लेकर यहाँ पर हिंदुस्तान में भी लोग दो गुटों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि कुछ लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ मुमरा के नदीम खान मौजूद है, जो कि फलस्तीन के सपोर्ट में आए हैं, और कुछ बात करेंगे हम। आइए जानते हैं नदीम भाई से क्या वो क्या कहने वाले। नदीम भाई, जैसे कि इन दिनों चल रहा है कि वहाँ जंग चल रही है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी एक ऐसी जंग चल रही है कि कुछ लोग वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो बोल दूँ कि हिंदुस्तान की जो जंग चल रही है, दो तरफा हिंदू मुसलमान की जंग, ये वो गधे है ना जो सिर्फ ना पीछे से कोई डंडा दे दे ना तो घोंकों घोंकों करके चिल्लाने वाले। तुमको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको शायद मालूम है ना कि एक टी राजा ने अभी एक इसराइल का झंडा दिखाया। हाँ हाँ, बराबर है ना। तो मैं सबसे पहले तो टी राजा को वो जवाब दे दूं कि अगर अशुद्दीन अवैसी ने ये कहा कि मैं तिरंगा के साथ फलस्तीन का झंडा लगा के आया हूँ, तो उस पर यह बात जायज़ होती है कि उसने फलस्तीन का झंडा क्यों लगाया। समझ में आया? क्योंकि फलस्तीन जो पैलेस्तीन है, वो फलस्तीन एक कंट्री, एक वर्ल्ड, वर्ल्ड की एक कंट्री है, उसके अंदर दुनिया के सुम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमानों का दिल है, मस्जिद अल अक्सा। तो ये इसराइल जो जंग लड़ रहा है वो क्यों जंग लड़ रहा है, ये कभी आप लोगों ने गौर किया? टी राजा जो फट से पर्चा उठाया और दिखा दिया कि हम इसराइल के सपोर्टर है, तुम सिर्फ देश का जो होता है ना हिंदू मुसलमान उस पर तुम जाने वाले हो, हिंदू मुसलमान की बात करते हो, वो टेम्पल ऑफ हमारा बैतुल मुकद्दस है, वो इसराइल जो जुल्म ढा रहा है ना। मेरे को बताओ, फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर ऐसी क्या जमीन है जो इतनी बड़ी जंग लड़ लेगा वो? तुमको मालूम है कि फलस्तीन क्यों लड़ रहा है, ये मालूम है? 7 साल के बच्चे क्यों लड़ रहे? तुमने पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के पास एक एक आर्मी देखी होगी, हर किसी के पास एक एक वेपन देखा होगा। फलस्तीन के अंदर कौन सा वेपन है, कौन सी आर्मी है, बताओ? बस झंडा उठा के बोल दे कि आई एम विथ यू इसराइल। टी राजा, तेरा तो कोई दरकार ही नहीं है उधर बोलने के लिए, जबरदस्ती का तू चालू गाड़ी में चढ़ रहा है यार बेफालतू का। हम मुसलमानों का दिल है, आई एम सपोर्ट अल अक्सा मस्जिद बैतुल मुकद्दस, यानी मेरा सपोर्ट बैतुल मुकद्दस को है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को तामीर किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम, ये साबित करती है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सच है, बरहक है, ये साबित करता है। तुम जानते हो यहूद की कौम कौन है, तुमको मालूम है, जो तुमने सपोर्ट कर दिया, एक अल्लाह की पैरवी करने वाली, बराबर, जो ईमान से गाफल होके काना दज्जाल का साथ पकड़ लेती है, और उन लोग अल अक्सा को गिरा करके उन लोग एक ऐसा टेंपल बनाना चाहते हैं जहां पर दज्जाल आएगा, और ये दिखाई दे रहा है तुमको। हाँ, तुम उसका सपोर्ट करते हो। एक बात याद रखो, सबसे पहले तुमको हिस्ट्री मालूम नहीं है, तुम 4000 साल की बात करते हो ना, हिस्ट्री कुछ नहीं मालूम, तुम खाली बस इंडिया में हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठे हो। आज मेरा बोलना है ना, लाजमी नहीं था बॉस, मेरा सपोर्ट अल अक्सा पे, और सुम अल्हम्दुलिल्लाह
एक साल का बच्चा भी अल अक्सा पे बोलेगा अलकुत्स अलकुत्स अलकुत्स, उस पर यकीन रखेगा वो। लेकिन नदीम भाई, जैसे कि हमने देखा इस मुद्दे में आपने काफी लेट बोला, कुछ लोग ये बोल रहे थे नदीम भाई डर गए। देखिए नहीं नहीं, हाँ कुछ लोग ये बोल रहे थे नदीम भाई डर गए, तो क्या नदीम भाई डर गए आप? सो अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौन सिर्फ अल्लाह से डरती मेरे भाई। तो इतने दिन से आपने मुंह हम बता रहे ना बॉस, मुमरा के अंदर माननीय श्री DCP गणेश गावड़े साहब और पुलिस निरीक्षक बड़े बड़े ऑफिसर लोग ने हमारे मुमरा में एक मीटिंग लिए थे। उस मीटिंग के अंदर साफ कहा गया था कि सोशल मीडिया पे और ऐसे कोई बयान ना दिया जाए जिस पर आने वाले नस्लों पे इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, शहर के अंदर वातावरण खराब हो। लेकिन इससे पहले भी नदीम खान को रोका गया था, लेकिन नदीम खान नहीं रुकते। इस बार नदीम खान क्यों रुक रहे थे? इस बार इसलिए रुका, कानून की इज्जत करना मेरा कर्तव्य है भाई। तो इससे पहले आप इज्जत नहीं करते थे? क्यों, करता ही था ना। तो इस बार क्यों रुक? तो मर्यादा कौन सी क्रॉस किया मैंने? कौन सी मर्यादा क्रॉस किया? तो लोग एक तीर राजा कहते हैं, एक मिनट नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। लोग ये जानना चाहते हैं कि काफी दिनों से जंग चल रही थी, नदीम खान हर मुद्दे पे बोलने आ जाते, लेकिन इस मुद्दे पे नदीम खान काफी खामोश रहे। तो लोग यही जानना चाहते नदीम खान खामोश थे। एक मिनट सुनिए ना, मैंने आज ही वीडियो देखा तीर राजा का, तो मैं आज ही बोलूंगा ना। लेकिन ये जो जंग चल रही थी, हाँ। इस जंग पे आपने क्यों नहीं बात की? अरे जंग चल रही है, जंग के ऊपर तो हम मस्जिद अलक्षा के लिए दुआई कर रहे हैं ना भाई, क्या करेंगे? क्या रोड पे नारे लगाएंगे? ये तो गलत है। रोड पे निकल के आज भी हिंदुस्तान के उन मुसलमान युवकों से कहूंगा कि तुम रोड पे निकल के नारे लगाने से बेटर है, एक दुआ मैं तुमको सिखा देता हूँ। अमय यजूबुल मुस्तरा इजाद यक्सुफुस्सुआ व यजअ लकुम खुलाफा अल अर्ज अ इलाहुम्मा लकलीलम तजक्करून। ए अल्लाह, मस्जिद अक्षा के लिए तू फरिश्ते नाजिल कर, जैसे कि तूने अबाबील को नाजिल किया था। अबाबील को नाजिल किया था ना मक्का बचाने में। तो इंशाअल्लाह ताला, आज जब मैंने टी राजा को बात बोलते सुना तो मैंने उसका जवाब दिया कि ये जो तुम बोलते हो ना, वो तुम अगर तुम्हारे भगवान की पूजा करते हो ना, तो इज़राइल यहूद तुम्हारे भगवान को नहीं मानता, बुत परस्तों को नहीं मानता, वो मारता है, वो इनको मारेगा। और जिस दिन वो अपनी हुकूमत में आएगा तो सबसे पहले जो बुत परस है उनके ऊपर ही अटैक करेगा। हिटलर ने क्यों मारा था पता है क्या? भगोड़े लोग, ठीक है इस पे मैं डरता नहीं हूँ, मैंने कानून की मर्यादा को नहीं नांगा, और मैंने जो आज बात की है भी कानून की तरफ से, कानून की मर्यादा में रह के की। क्यों? लेकिन नदीम भाई, जैसे कि अभी तुम आपने सिर्फ टी राजा का नाम लिया, ऐसे बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जो कि इसराइल को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ कुछ लोगों का ये कहना है कि सामने मुस्लिम कंट्री है इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? ना एक मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, मैं बहुत छोटा सा आदमी, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन साफ नज़र आता है कि अमेरिका को अगर वेपन बेचना है ना, तो वो इसराइल को आगे करेगा, 10 कंट्री को लड़ाएगा, 10 हमारे तुम्हारे गरीब बेघर होंगे, बराबर है। और मैंने ना ऐसे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले और ऐसे बहुत बड़े बड़े रुतबे वाले अहदे वाले लोगों ने जो खुल के सपोर्ट किया है, तो मैं उन मुसलमानों को कहूँगा भाई देख लो, करोड़ों अरबों हज़ारों अरबों रुपए की संपत्ति एक मिसाइल के फटके पे ना रेजा रेजा मलबा हो जा रही। अगर आपको देश बचाना है तो आपको सही आवाज़ उठाना है, तो मैंने सही आवाज़ मुझे आज जो लगी मैंने उठाई। मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ, इंडिया इज़ माई कंट्री, आई लव माई इंडिया, मैं इंडिया के लिए मर भी जाऊँगा, मर भी दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि नदीम भाई, देखा गया क्या हिंदुस्तान में फ़लस्तीन के सपोर्ट करने वाले बहुत लोगों को जिन पे कार्रवाई की गई है, ऐसा क्यों? तो भाई वो जो फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं तो शायद वो हमास का कर रहे होंगे, और हमास नहीं, हमास का कहीं भी नहीं है। जितने लोगों पे कार्रवाई की गई थी सभी के पास शायद फ़लस्तीन का जो बैनर होता है वही होता है, लेकिन फिर भी अभी देखा जाए तो कुछ गोवंडी में भी हुआ है 2 दिन पहला। भाई देखो एक बात बोलता हूँ मैं, सबसे पहले मुसलमान उन भाइयों को बोलता हूँ, फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है ना, अल्लाह से उनके लिए दुआ करो, अल्लाह उसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी आवाज़ आपकी बुलंद होनी चाहिए, आप अल अक्षा के लिए आवाज़ उठाओ। मस्जिद अल अक्षा को ये लोग कब्जा करना चाहते,
जो मार रहे, दो कंट्री का आपस का झगड़ा है, ये मस्जिद अक्षा के लिए है, आप मस्जिद अक्षा पे करो। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए, कानून को ये भी सोचना चाहिए कि अगर फलस्तीन के सपोर्ट पे, जो अलक्षा के सपोर्ट पे अगर मुसलमान बोलेंगे और उस पर अगर आप केस करोगे, तो वो कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी मस्जिद नहीं है, हमारे लिए काबा, काबा के मानिंदे हो, यानी काबा का मर्तबा रखती है। तो अगर उसको कोई गिराने की आएगा और गिरा ही रहा है, उसको कब्जा करने आएगा, तो हर मुसलमान का खून खौलेगा। कुरान से ताल्लुक आते हैं ना, मस्जिद अलक्षा कुरान है, तो कुरान हमारी किताब है और हम इसको स्टडी करते हैं। आप हमसे ये अधिकार छीन नहीं सकते, ये तो मैं बोलूँगा, मेरा देश बोलने के लिए बोलता है। इस पर केस करने की क्या बात है? मैंने ये बोला है क्या आतंकवादी संगठन का मैं सपोर्ट करता हूँ? नहीं करता हूँ। मैं अलक्षा का सपोर्ट करता हूँ और मैं करूँगा, मैं मरते दम तक करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अलक्षा मेरी जान है, मैं बैतुल मुकद्दस के लिए दुआ भी करूँगा और मुसलमान भाइयों को, इंडियन के लोगों को भी बोलूँगा तुम दुआ करो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नदीम भाई ने ये कहा कि रोड पर आके नारेबाजी ना करें, अपने घर में रहकर मस्जिदों में नमाज पढ़े, दुआ करें, ताकि कुछ लोगों को ये बोलने का मौका ना मिले कि ये लोग आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना ये कि नदीम भाई के जो बयान थे, हर बार नदीम भाई पे कुछ ना कुछ केस दर्ज होता है, लेकिन इस बार नदीम भाई ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है, अपने दिल की बात रखी है। अब इस दिल की बात को मुसलमान भाई कितना सुनते, ये देखते बनता है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, आरिफ अदीद, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।